अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अर्ली मॉर्निंग है और मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। मेरे हस्बैंड यूजली बटर यूज़ करते हैं, मैं भी बटर खाती थी, लेकिन अभी मैंने बटर को बाय बाय कर दिया है। एंड आई वॉज लाइक इट्स बेटर टू कम बैक ऑन देसी घी वाला अंडा। तो आज मैं अपने लिए अंडा बना रही थी, ऑमलेट, नॉर्मल सिंपल जो ऑमलेट होता है। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। मुझे बहुत अरसे से बहुत सी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड जो है दे आर इन इन्वॉल्व इन अदर वमेन, उनके अफेयर्स हैं अपने ऑफिस में, अपनी पुरानी कुलीग्स के साथ, अपनी नई कुलीग्स के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ, अपनी पुराने मोहल्लों वाले, इस तरह के बहुत से मैसेजेस आए थे। मुझे था इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन वही होता था ऑन एंड ऑफ वो टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक मैं छेड़ नहीं पाती थी। तो अब जो है ना, मुझे एक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा था कि शी इज़ इन ग्रेव डेंजर। उनके हस्बैंड को उन्होंने उनके मैसेजेस पढ़े हैं और तस्वीरें देखी हैं और पता नहीं क्या क्या है, और वो जो है ही इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन। और इनको जब पता चला तो इन्होंने पहले तो अपने हस्बैंड से बहुत लड़ाई की है, जो कि हम मोस्टली ख्वातीन करती हैं कि जी हाउ डेर यू, आपने किया कैसे, आपको मैं नहीं याद आई, आपको बच्चे नहीं याद है। फिर उसके बाद सास ससुर के साथ बैठ के ये सारी प्रॉब्लम शेयर की है। और क्योंकि यूजुअली अगर कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी देसी खातून होगी तो वो करेगी ज़रूर। और उसके बाद जो है उन्होंने बैठ के अपने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया है, उनको बताया है, एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। और पेरेंट्स देखें आप, ऑफ कोर्स किसी की औलाद है और अपने बच्चे को कोई भी तकलीफ में नहीं दे सकता, जैसे आपके बच्चे आप उनको तकलीफ में नहीं दे सकते। अब जब इतना बड़ा रायता फैल गया है, इतना बड़ा खिलारा मच गया है, पेरेंट्स आर के जी हम अपनी बेटी ले जाएंगे, हस्बैंड कह रहे मैं अपने बच्चे नहीं दूंगा, और बीच में जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अब आपको है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जा सकती अपने बच्चों को। और आपने बहुत मौका दिया अपनी ससुराल को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ, ससुराल सबसे पहले ही खुश होगी कि अच्छा है दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इनमें ना इत्तफाकी पे ही लोग खुश होते हैं, ठीक है। सिर्फ ससुराल नहीं, लोग, बहुत से लोग, वो बहुत भी कोई भी हो सकता है, जिसमें आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, हो सकता है आपकी सिबलिंग्स भी हों, तो आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ मुखलिस है या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आपने एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। आपके हस्बैंड ने जो करना था वो कर लिया है, अब आपको है कि मुझे अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाना, लेकिन आपने उसके बीच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है कि आपने इतना बड़ा खिलारा मचा दिया। आप टॉपिक बन गई हैं बहुत सारे लोगों की मुंह के टॉपिक बन गई हैं आप जी, हर जगह गॉसिप होगी आप ही के बारे में होगी, चाहे वो आपके मोहल्ला हो, चाहे वो आपकी इन लॉज हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, और कुछ लोग आपके बड़े मुखलिस होंगे, आपके आसपास बोलेंगे हाँ तुम ठीक कह रही हो और ये और वो, और कुछ लोग कहेंगे हो ध्यान नहीं देती होगी तो मियाँ ने ये सब कुछ किया। तो देखें जो मुंह पे होते हैं ना लोग, कुछ पीछे बिल्कुल कुछ और होते हैं। अच्छा, अब मैंने उनको कहा देखें आप और तो कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, उनके मैंने कहा अपने पेरेंट्स को आपने इन्वॉल्व तो ऑलरेडी किया हुआ है, अब उनको कहें कि इस तरह का इनसे बात करें कि जी कोई अब ऐसी कोई बात नहीं होगी और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं जा सकती। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको शक होगा अपने हस्बैंड पे कि वो उनका अफेयर है किसी के साथ, या जिनको थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो अभी चुप हैं, तो मैं आप लोगों से एक बहुत, वो कहते हैं ना, हाथ जोड़ के एक मिन्नत करती हूँ, आप लोग मेरी ये सारी जो मैंने आपके साथ शेयर की ना उसको एंड तक देखें कि मैं आपको बोल क्या रही हूँ। देखिए मुखलिस आपके साथ कोई भी नहीं है, चाहे आपके अपने सिबलिंग्स हों, बहन भाई आपके कोई भी हो, ठीक है, आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के ही सर पे जो है ना वो कहते हैं ना बादशाह है, ये एक पश्तों की मिसाल है कि अपने फलां के सर पे बादशाह है, तो वो ये कि मतलब आपकी वैल्यू उन्हीं से है। आप अपने बच्चे छोड़ सकती हैं किसी के लिए? नहीं। अगर एक औरत आपके हस्बैंड की जिंदगी में फॉर द टाइम बींग आई है, यू नेवर नो योर हस्बैंड इज जस्ट पासिंग हिज टाइम विद हर, और आपने उसके लिए इतना बड़ा अपनी जिंदगी का मसला बना लिया, ठीक है, तो आपने गलती की,
सही। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने गलती किधर की और आपने अगर अभी तक इतना बड़ा खिलारा नहीं मचाया तो आप इसको कैसे कोप कर सकती हैं। ये है मेन चीज आज के इस टॉपिक की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपके बच्चे। मुझे पता है हम देसियों में माँ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करती है। हर तरह की जलालत कहते हैं ना, सही वर्ड्स, वो बर्दाश्त करती है, चाहे वो किसी की हो, चाहे वो ससुराल की हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त करती है। वरना आप मुझे बताएं, एक माँ बाप जो अपनी बेटी को 16 जमात पढ़ा के किसी के घर भेज देते हैं कि जी पढ़ी लिखी मेड हमने आपको दे दी है, चले जी शुरू हो जाएं इस पे सफाइयां करवाने और इससे खाने बनवाने, इससे बर्तन धुलाने, इससे किचन के काम करवाने के लिए, तो वो तो कोई भी नहीं करता ना। लेकिन अगर औरत बर्दाश्त करती है तो वो अपने बच्चों के लिए करती है, और जिसका नाजायज फायदा हस्बैंड्स उठाते हैं, दिस इज द रियलिटी। उनको पता होता है ना बच्चों की खातिर नहीं छोड़ के जाएगी। लेकिन देखिए, आपके पास एक चीज है, आपको पता है आपके हस्बैंड ने किया है, आपको पता है कि ही हैज एन अफेयर। इंस्टेड के आप बैठ के एक एक दर पे बैठ के बोलें या एक एक को कॉल, एक तो फोन आजकल बड़ा बहुत बड़ा फसाद है ना, आप ठक करके फोन मिलाते हैं, गुस्से में आते हैं, ठक फोन उधर मिलाया, ठक फोन उधर मिलाया, नहीं। देखिए, अगर किसी आदमी की नेचर शादी से पहले भी इधर उधर मुंह मारने की थी ना, तो वो नेचर नहीं बदल सकती, ये बात याद रखिए, वो नेचर नहीं बदल सकती। या अगर शादी के बाद ये नोट करें कि अगर वो औरत किसी और औरत में इंटरेस्ट ले रहा है, व्हाट इज द रीजन, मे बी शी इज प्रिटी, मे बी शी इज क्वालिफाइड, तो क्या आप नहीं बन सकती? क्या आपका काम सिर्फ घर में सर झाड़ मुंह पहाड़ बन के रहना है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। जब आपने देख लिया आपके हस्बैंड ये सब कुछ काम कर रहे हैं, कारनामे कर रहे हैं ना, मैं उनका साइड नहीं ले रही, आपके पास ना एक बहुत बड़ा रीजन आ गया टू बी अ स्ट्रांग वुमेन। आपने अपने हस्बैंड को उनका आईना दिखाया, बट इनसाइड द बेडरूम, बाहर नहीं, किसी के सामने नहीं, ससुराल में किसी को मौके नहीं दिए खुश होने के। आपने अपने हस्बैंड को बोला कि जिस, और कुछ तो लोग के बच्चे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको भी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। द थिंग इज, आपने अपने हस्बैंड को बड़े आराम से बताया, यू हैड अ फाइट, कर ले फाइट, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जी ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको हजम कर ले, आप उनके साथ फाइट करनी कर ले, बट इनसाइड द बेडरूम, बाहर किसी को नहीं बताना। आपने अपनी ससुराल में ना ढंडोरे नहीं पीटने, आपने सबकी गॉसिप का ना हिस्सा नहीं बनना, मतलब टॉपिक नहीं बनना, हिस्सा तो बहुत दूर की चीज है, टॉपिक का जो है ना, अपने गॉसिप की टॉपिक नहीं बनना। आपने क्या करना है, आप एक स्ट्रांग पोजिशन पे हैं राइट नाउ, आपको अपने मियाँ की कमजोरियों का पता है, आपको पता है कि मेरे मियाँ ने कितना बड़ा गुल खिलाया हुआ है, तो आपका जो हस्बैंड है ना, ही विल, जो बहुत ज्यादा थुरम खान और शेर बने हुए होते हैं हस्बैंड्स, उनको पता होगा कि हाँ जी अब नाउ शी नोस, नाउ शी नोस। होता क्या है, नाउ यू आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन, आप कोई वीक बंदी नहीं है, आप उस बंदे की बच्चों की माँ है। और ये जो अफेयर्स होते हैं ना, ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, फॉर द टाइम पास होते हैं, दैट्स इट, ये सोशल मीडिया की जो है ना चोंचले हैं सिर्फ। तो ये सोचना कि जी मुझ में कोई कीड़ा, आप में कोई कीड़ा नहीं, हाँ अपना ख्याल बहुत रखें, अपने आप को बहुत अच्छा रखें, ताकि किसी को भी इतनी जरूरत ना हो कि वो आपके ऊपर किसी और को करे। लेकिन अपने आप को अगर आप डीवैल्यू करेंगे, हाँ जी तुम मेरे तो मियाँ का अफेयर चल रहा है और वो तो मुझसे बहुत अच्छी है, नहीं, शी इज नॉट गुड इनफ, आप उनके बच्चों की माँ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपने क्या करना है, आपने अपने हस्बैंड की जिस तरह से वो कहते हैं ना टिगरी टाइट करनी है घर में बैठ के, जी आपने इस तरह किया कैसे, ठीक है। अब आपके हस्बैंड को भी पता है कि जी मैंने गलत किया है और ये मेरे बच्चों की माँ है, कल कला को कोई प्रॉब्लम होती है तो शी विल, वो कहते हैं ना कि कन्फ्रंट मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो इट्स बेटर कि मैं अपनी लिमिट्स में रहूं। और आपको जरूरत नहीं है बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की, अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को, हर एक को नहीं, सिर्फ एक आध सिंसियर फ्रेंड उसको बता दें, क्योंकि अपने दिल का बोझ हल्का कर ले, दैट्स इट। उसके अलावा ये जरूरत नहीं है कि आप एक एक को बैठ के ये बता रही कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था और ये हुआ था, नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब आपके हस्बैंड को पता है कि शी नोज एवरीथिंग और इसने मेरी इज्जत का खिलारा नहीं मचाया, और आज जो है अगर मेरी इज्जत बाकी है, क्योंकि आप को हमें लगता है ना कि जैसे हम तो बेइज्जती कर देंगे एक एक को, बैठ बैठ की शिकायत लगाएंगे तो मेरी होगी इज्जत बहुत खराब होगी जी, आपके हस्बैंड की बहुत शदीद किस्म की बेइज्जती होगी, बट ऑन दी अदर हैंड आपको क्या मिला,
आपको एक वक्ती तौर पे जो है ना एक सेटिस्फेक्शन मिल गई, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें ना तो घाटे में आप ही रहेंगी, ठीक है। घाटे में इस तरह आप रहेंगी कि आप तो अपने बच्चे नहीं छोड़ के जा सकती। हाँ, अगर आपको हो कि बस दिस इज द अल्टीमेट थिंग और मैंने इस आदमी के साथ नहीं रहना, वो बहुत बुरा भी करता है मेरे साथ, तो फिर तो एक ही रास्ता है ना, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज डिवोर्स, आप अलहदा हो जाएं। बट अगर आपको फील होता है कि नहीं, कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चों को किसी के पास नहीं छोड़ सकती अपनी लॉज में, या मेरे मियाँ मेरे बच्चे नहीं देगा या फला, तो दूर की सोचें। कल आप अपने बच्चों को भी बैठ के ना माइंड में डाल रही हैं जहर के, ये मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड ऐसा था, तुम लोगों का बाप ऐसा था, आज वो बच्चे भी अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे। और यू नो, जब बच्चे टीन एज में आते हैं ना तो उनको अपने बाप के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। एक दफ़ा मैंने किसी से सुना था कि जब औरत को परेशान होती है और ये चीज़ लाइक कि मैं छोड़ दूंगी इस आदमी को, तो उसको भी बहुत अच्छा आदमी मिल जाता है, उस आदमी को भी बहुत अच्छी औरत मिल जाती है, बट उन बच्चों को ना ना तो वैसी माँ मिलती है और ना वैसा बाप मिलता है। तो अपने बच्चों की खातिर बहुत सी औरतें, हर औरत, आप 99% औरतों को उठाएं, वो अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देती है। तो क्यों ना आप ऐसी करें कि आपके मियाँ को भी ये समझ आ जाए कि शी इज द वन, उसने मेरी इज्जत भी रखी, मुझ पर पर्दा भी रखा। आप उनसे बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि आप कमरे में उनसे बात करें। आप कुछ अरसे के बाद बिल्कुल उनको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट अपने बच्चों की खातिर आपने बर्दाश्त करना है, ठीक है। अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना वो कल जब बड़े होंगे ना, उनके दिमाग में जहर मत घोलें कि आपका बाप क्या करता रहा है, वो खुद शर्मिंदा होगा। यकीन रखें, सबर का फल जो है ना बहुत मीठा होता है। अगर आप अल्लाह पे छोड़ देती है ना, आप अल्लाह पे हर चीज छोड़ देती हैं, हर ज्यादती, हर चीज, अल्लाह की जात जो है ना, बिलीव मी, आपको उसका फल जरूर देगी। तो अपने बच्चों के लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब आपके बच्चों की शादियां भी होती है ना, तो वो ये पूछते हैं कि आपके हस्बैंड किधर हैं, या उनसे पूछते हैं आपकी वाइफ किधर है, तो वो तो लोग कोई सच्चाई नहीं बताते ना, वो तो ये था वो था, बट रिश्ते, आपके बच्चों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोशिश करें कि अल्लाह ना करे इस टाइप की कोई सिचुएशन अगर आपकी जिंदगी में आती है, तो आपने उसको बहुत समझदारी के साथ कॉप करना है। आपने ये नहीं कर लेना कि जी आप जो है पूरे जहां को इनवाइट कर लेंगी, पूरे जहां को बताएंगी कि क्या हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनके हस्बैंड को मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, फैमिली को, उनके हस्बैंड को उन्हीं की किसी फ्रेंड की फ्रेंड ने जो है ना वो अप्रोच किया, एंड वो जी फेसबुक पे गप्पे लड़ रही हैं और लगा रहे हैं। और एक दिन वो मेरे घर आई थी, मुझे वो थोड़ी अपसेट लगी, बट वो बिल्कुल शो नहीं कर रही थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आर यू ओके, एंड देन शी टोल्ड मी कि मेरे हस्बैंड का इस तरह है, एंड बाकायदा, और वो हुआ ये था कि उनके हस्बैंड ने इनकी फेसबुक, इनके फोन पे अपना फेसबुक कभी खोला था और वो भूल गए थे उसको लॉग आउट करना। तो इस औरत के दिल पे क्या गुजरती होगी कि जी हस्बैंड फेसबुक पे जी वो खातून के साथ खूब टगा के गप्पे भी लगा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ये चुप करके सारा बर्दाश्त कर रही थी। और एंड द एंड ये हुआ कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, एंड हस्बैंड को बोले, शी आस्क्ड मी एंड आई टोल्ड हिम कि प्लीज इतने खिलारे करने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ हस्बैंड से बात करो। आज वही हस्बैंड जो है ना, इस बात को तकरीबन कोई 10 साल हो गए, आज वही हस्बैंड उसकी केयर भी करता है, आज वही हस्बैंड उसकी कदर भी करता है, और आज वही हस्बैंड जो है ना उसके आगे जो है वो आंखें नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने उसके होते हुए शी हैज रेड एवरी सिंगल मैसेज ऑफ हिज। तो आप सोचें कि एक बंदे की कितनी बेइज्जती है कि उसकी बीवी ने उसका हर अफेयर वाला मैसेज पढ़ा है और उसको पता है, और उसके बावजूद उस औरत ने एक्शन कोई नहीं लिया, चुपकी मार दी, ठीक है ना, खामोशी से उसको बताया कि मैं इतनी फालतू नहीं हूं, अगर मैं इधर हूं तो मैं अपने बच्चों की वजह से हूं। तो आई होप जो आज मैंने आप लोगों के साथ ये चीज शेयर की है ना, ये आप लोगों को, आप इस पे गौर भी करेंगे, आप इसको अपने दिमाग में भी रखेंगे, और ऐसी कोई गलती आप नहीं करेंगे जिससे आपका घर खराब होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टेम्प्रेरी लोग होते हैं ना, ये आप लोगों की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, तो आपने उनकी खातिर ना अपना घर नहीं खराब करना, उनकी वजह से अपने बच्चों को दरबदर नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी, जैसे आपके हैं ना आपके हस्बैंड के भी हैं। तो अपने बच्चों की खातिर आपने बर्दाश्त कर ली, और आप इसको टाइम दें,
टाइम दें, सब्र करें और अल्लाह ताला की ज़ात आपको ख़ुद दिखाएगी कि कौन सही है और कौन गलत। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।